एक समाचार पत्र में प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि कन्हैयागिरी ये कह रहे हैं कि मैं दलित संत हूँ, मुझे अयोध्या में नहीं बुलाया गया। यह गलत है, असत्य है। कन्हैयागिरी महामल्लेश्वर हैं, उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि साधु की कोई जाति नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति किसी जाति का होता है, जब संन्यास धारण करता है, वैराग्य धारण करता है, तो उसी दिन उसकी जाति खत्म हो जाती है, नया नाम होता है। और साधु की कोई जात तो होती ही नहीं है, तब आप कैसे कह रहे हैं कि मैं दलित संत, मुझे नहीं बुलाया गया। मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा आपको संतों को बांटने का अधिकार नहीं है। मैं अखिल भारतीय खड़ा परिषद के महामंत्री आदरणीय हनीगिरी से बात करूंगा और अखाड़ा परिषद की बैठक जब होगी तो उस पर आप पे कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए। साधुओं को जाति में बांटने का अधिकार आपको नहीं है, या तो आपको ज्ञान नहीं है कि साधु को जाति नहीं होती है। साधु की न पूछो जाति, साधु से पूछिए ज्ञान। ये आपका तरीका अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। विवाद मत फैलाइए। रामलला का भक्त पूजन जा रहा है, आप मानसिक रूप से रहिए। और इस तरह की राजनीति करना आपके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दलित संत क्या होता है? आज तक हमने कभी दलित संत का नाम नहीं सुना है। जो संतों को जाति होती है क्या? ये आप कह रहे हैं कि हम दलित हैं इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है। भगवान राम सबके हैं और सभी लोग मानसिक रूप से उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना यह वाक्य वापस लीजिए या तो संन्यास छोड़ दीजिए, महामंडल पद छोड़ दीजिए। इस तरह का बयान नहीं करना चाहिए था। आप महामंडलेश्वर है, आपका सम्मान किया जा रहा है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि संतों को जाति में बांटने का प्रयास मत करें। अब आप संत सन्यासी हैं तो उसी आधार पर रहिए, आपकी कोई जाति नहीं है। तो आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने वाक को वापस लीजिए, अन्यथा निश्चित रूप से मैं हरिगिरी महाराज से बात करूंगा, जूना खड़े के लोगों से बात करूंगा, अखाड़ा परिषद की बैठक में बात करूंगा कि आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए।